नमस्कार दोस्तों, इस टाइम हम लोग हैबिटेट सेंटर के बगल में इंदिरापुरम शक्तिखंड दो है ना, शक्तिखंड दो, और यहाँ पे हम लोग ये डिवाइडर पे पेड़ लगा रहे हैं जो कि आप लोग देख रहे हो। सीधे हम यहाँ खड़े होते हैं तो सर पे धूप लगती है, और हमारे बच्चे आ गए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो आने वाली जनरेशन है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है रोहित जी? रोहित चौधरी। रोहित जी कहाँ रहते हो आप? कुछ सर अपना अच्छा अच्छा, पीपल बड़ा लगाइए यहाँ पे ना, थोड़ा उसका जड़ पकड़ लेगा। कौन सा वाला? वो वाला लगा दीजिए। और ये हमारी सोनिया जी हैं जो कि गाड़ी के पीछे गैलन में पानी रख के जो पेड़ सूखते हैं वहाँ पे लगाती रहती हैं। और ये हमारे आरव सेठ हैं, ये भी मेहनत करते रहते हैं, ये लोग मेहनती लोग हैं, हम लोग तो सिर्फ संडे संडे काम करते हैं, ये सातों दिन पानी दे के काम पानी देते रहते हैं। और आरव, पेड़ सही हैं जो लगाए हैं? हाँ, कुछ सही हैं, काफ़ी सारे सही हैं, जैसे कि जो हमने ऑरेंज काउंटी वाले डिवाइडर पे लगाए थे उसमें 75% प्लांट्स तो सही हैं। अच्छा अच्छा। और ऐसे ही जो भी बाकी डिवाइडर्स में लगाए थे उसमें भी काफ़ी सही हैं, तो पर हमें फिर भी थोड़ी सी और हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम सारे प्लांट्स में पानी डालें। तो मैं जो भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी आसपास रहते हैं तो फिर उन डिवाइडर्स में पानी डालें। इनको ज़्यादा पेड़ मिल गया है, कम से कम 100-150 पेड़ मिल गए हैं, जो कि मुश्किल हो पा रहा है। हम कहें 10-10 पेड़ अगर एक आदमी लेते हैं तो आराम से हो जाए। कोई नहीं, हमने कल उसमें निगम में GDM में बात करके आए हैं, और लोग कहे कि हमारा टैंकर आएगा, तो हम नंबर भी दे के आए हैं, अगर कॉल करते हैं तो। ये देखिए हमारा पीपल लग गया है, बहुत दिन के बाद दिखे हो। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? अनवी। अनवी, इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे थे? मन नहीं कर रहा था कि मैं रहते ना भी आए। अच्छा अच्छा, बाहर रहते हैं। हाँ, यहाँ नहीं रहते हैं। चलो, वहाँ पेड़ तो रुड़की में काफी पेड़ है, ये पिछली बार अपने जन्मदिन पे प्लांट लगाए थे। और ये हमारा पीपल देखिए, पीपल इसलिए लगाया जा रहा है कि इसकी जड़ें बड़ी हैं, एक बार पकड़ लिया तो इसमें केयरिंग की जरूरत कम पड़ेगी। और मॉनसून आ रहा है, मॉनसून ये आशीष जी के हैं, आशीष जी ने गोद लिया है इसको 10 पेड़ों को, और ये डेली पेड़ लगा रहे हैं। अनिल जी आ गए, ये एक्टिव जी, आपका पेड़ है ये, कितना दूर है आपका यहाँ से? ये रानीगंज की सोसाइटी तो है। पांच पांच ले लीजिए आप लोग, दोनों लोग मिल के पानी डाल देना, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और पेड़ों की सेवा भी हो जाएगी। और जब इस मानसून यहाँ पे अगर आप चलते हो रोड पे तो धूप देखिए, यहाँ पे यहाँ चारों तरफ धूप दिखती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। और ये कनेर लगे हुए हैं, कनेर जो कि ज़्यादा हाइट इसकी होगी नहीं, और कटिंग कर देते हैं। हाय। और ये दूसरा पीपा, हाँ ये इनके कुदाल मुझे बहुत पसंद है। अनिल जी से पूछना पड़ेगा कहाँ से लाए थे। और ये दूसरा पीपल है, देखिए काफी हाइट है, काफी मोटाई है। आप लोग जो भी पेड़ लगाए, बड़े पेड़ लगाए, क्योंकि छोटे पेड़ों की जड़ें कमजोर होती हैं और वो जल्दी सूख जाती है, सर्वाइव नहीं कर पाती है, और बड़े पेड़ में। और ये आज हमसे जुड़ी हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, सक्सेना जी, ये भी काफी इन्वॉल्वमेंट में अच्छा काम कर रही है, राजनगर अपने एरिया में। तो हम लोगों का जो भी आसपास एनजीओ काम कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कैसे कैसे प्लांटेशन कर रही हो आप अपने एरिया में? मैं अपने लोकल एरिया पार्क्स में कर रही हूँ प्लांटेशन, जो मेरे आसपास में है, और फिर केयर भी कर देती हूँ डेली आते हर टाइम, और साथ में मैं सोशल अवेयरनेस करती हूँ फेसबुक के और इंस्टाग्राम से, पेज बना रखा है फेवर प्लानट, तो उससे मैंने काफ़ी लोगों को अवेयरनेस के लिए डेली करती हूँ पोस्ट वगैरह, उससे लोग इन्वॉल्व हों और अंगेज करें हर एक मैटर में, देखें जो भी हमारे प्लानट अर्थ के लिए केयर भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, आप देखिए हम लोग आजकल सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ कीजिए, हर चीज़ की दो पहलू होते हैं, एक तो नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक होती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। कई लोग निगेटिव यूज़ करते हैं फेसबुक का, आप
सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड में ग्रीनरी फैला सकते हैं, और हम 135 करोड़ जनसंख्या है, अगर एक एक पेड़ लगा दें तो पूरा हमारा देश हरा हो जाएगा। और हमें सोशल मीडिया हरा करना है, वैसे धरती पे नीचे उतर के भी हमें अपना देश हरा करना है। तो हमें यही आप लोगों से अनुरोध है, जो जो आप लोग अपने आसपास से देखे, कितना सुंदर पीपल का पेड़ लग गया है, और इस बरसात हम आएंगे तो शायद हम यहाँ खड़े हों तो हमारे सर पे धूप ना लगेगी। और यही हमारी इच्छा है कि दिल्ली में हम कहीं निकले। और देखिए बहुत सुंदर ये पीपल का वृक्ष है। अरे आ गई यार, सुकेश जी की टीम एक्टिव है। और ये आज नई मेंबर है, हम लोग साथ जुड़े, क्या नाम है आपका? मंजुल। अच्छा अच्छा, आप लोग प्लांटेस्ट कभी लगाया प्लांट? नहीं, फर्स्ट टाइम हम। अच्छा अच्छा, हम लोग यही चाहते हैं, जो नहीं लगाए हम तो लगाते रहते। तो एक पेड़ ले लीजिए अपने हाथ, राजू जी इनसे लगाइए, जो जो पेड़ नहीं लगाए इनके हाथों से लगा। हाँ, इनके हाथ थोड़ा अच्छा लगेगा और अच्छा अनुभव मिलेगा। ये पेड़ लगा रहे हो आप, एक बच्चे जैसे आप लोग गोद ले रहे हैं। अभी लगाएंगे, पानी लेकर आएंगे। और ये हमारे अविनाश जी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अरे सॉरी आशीष जी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग जहाँ बुलाते हैं वहाँ गाड़ी लेके अपने पहुँच जाते हैं। और रोज अब ये पेड़ एक लगा रहे हैं, गुलमोहर का भी इन्होंने लगाया, हमने कहा नीम और पीपल लाया जाए क्योंकि थोड़ा स्ट्रांग होता है गुलमोहर, थोड़ा बरसात में फिर वो हरा हो जाएगा। तो इन्होंने हम लोग कहा कि आप लोग पेड़ लाइए, हम इसको देखेंगे, देखभाल करेंगे। तो आशीष जी थोड़ा मैसेज दीजिए कुछ। अब देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नई सरकार फिर से आई है और बुलेट ट्रेन का रास्ता बनाया जा रहा है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं, उसके लिए उस रास्ते में जितने भी पेड़ आएंगे वो सब कटने तय हैं। और समय रहते अगर हमने नए पेड़ नहीं लगाए तो पुराने कट जाएंगे, नए लगेंगे नहीं, तो हवा कहाँ से शुद्ध होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक युद्ध स्तर पे इस मुहिम को छेड़ा जाए ताकि मौसम के साथ अभी आने वाली बरसात में पेड़ जो है अगर अभी लगाए जाए तो तेज गति से बढ़ेंगे और समय के साथ में बड़े हो जाएंगे और उनको कम्प्लीट करेंगे, जो हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना जरूरी है। और ये देखिए आशीष जी अपना रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने नेचर के लिए, और पेड़ लगा रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा लग रहा है इनको, और इनका टाइम पास भी हो रहा है। और होता है कि किसी के पास काम नहीं होता है तो कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं घर में बैठ बैठ के। आप भी कुदाल लीजिए और पेड़ लीजिए और अपने आसपास लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं और इन पे धूप सीधे जाता है जो कि हीट बढ़ती है। और आप लोग एसी लगा के सोचते हो हमारा कमरा तो ठंडा हो गया, लेकिन हमारा आसपास कैसे ठंडा होगा, जो कि इस बार रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली का 48 डिग्री। ये भी सर हमारे साथ जुड़े, क्या नाम है सर आपका? अमित जी आए हुए हैं। हम लोग को अच्छा लग रहा है कि काफ़ी मेंबर लोग इंदिरापुरम में लोग काफ़ी एक्टिव हैं और हम लोग साथ डेली आके पेड़ लगा रहे हैं। कुछ सर बताइए, कुछ एडवाइस दीजिए इन्वायरमेंट के बारे में, कैसे कैसे इसको टेम्परेचर कम किया जा सकता है, पोल्यूशन कैसे? डेफिनेटली देखिए, इस बार फर्स्ट टाइम जो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली पे आ गया है, राइट? और पिछले 50 या 60 साल का रिकॉर्ड टूटा। आई डोंट नो आने वाले टाइम में 10-20 साल में नो वंडर हम लोग जो है 55 डिग्री तक भी पहुंच जाए। इसलिए पेड़ सर एक पेड़ लगाइए आप वहाँ पे, अपने हाथों एक पेड़ लगाइए। तो आई थिंक ये जो फादर है, हाँ मेरे फादर डॉक्टर आर पी खरे। अच्छा अच्छा, तो ये एनवायरनमेंट के लिए तो हम सबको कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है, सब हम लोग की मॉरल रिस्पांसिबिलिटी भी है। ये आप पहली बार लगा रहे हैं कि इससे पहले लगा आपने? फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। फर्स्ट टाइम, देखिए हम लोग तो, आप जल्दी जाके एक पेड़ अपने हाथ लगाइए और पेड़ लगाने का एक अनुभव लीजिए, कितना आनंद आता है, जैसे लगता है कि हमने कुछ अच्छा कर रहे हैं और दिन भर हमें रात को सुकून की नींद आएगी। कि कुछ सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आर पी खरे। और ये सर आर पी सब देखिए हमारे साथ आए हुए हैं और ये लोग आ रहे प्लांट के लिए, जो अनुभव नहीं लिया हमारा वही है। राजू जी जो जो पेड़ नहीं लगा उनके हाथों लगवाइए थोड़ा, ये सर आ रहे हैं तो थोड़ा इन लोग के हाथों से आइए आप, थोड़ा एक पेड़ आपके हाथों लगाया जा रहा है, पूछ पूछ के जिन्होंने नहीं लगाया, ताकि अगली बार और आए, मज़ा आए पेड़ लगाने में। तो यही है क्या? आगे आगे गड्ढा करवा दीजिए। आइए सर, क्या ज़्यादा भटकना पड़ा क्या हम लोग? ये हैबिटेट का अभी तो आप
यहीं से गए हैं? हाँ हमने देखा था बच्चों, आ जाइए इधर। हाँ आगे से रास्ता है वहाँ से अंदर, एक एक दे दीजिए ना जो जो आ रहे हैं उनको। हाँ। लोग बस गड्ढा करवा दिया। अनिल जी तो अभी आए, धर 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 मार के चले गए। नहीं नहीं वो गड्ढे थोड़ा लगेगा ना कि हम आए हैं तो कुछ गड्ढा में लगे हुए हैं। अच्छा कहाँ है, पीछे है क्या? आगे निकल गए इस बार, पेड़ सही मिल गए। जो जो पेड़ नहीं लगाए हैं वो लगाएंगे, ठीक है? आप लोग लगाए थे ना उस दिन पेड़? आपने लगाया पेड़ कभी? कब कहाँ लगाया? अभी लगाया है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ ये देखो आरओ के साथ लगाया करो, रहा करो। आरओ बहुत पेड़ों की सेवा करता है। और ये जो पेड़ पहले के लगे हुए हैं इनको भी हमें बचाना है, इनको भी हाँ पानी देना है। ऐसा नहीं कि हम जो लगा रहे हैं वही हमारे पेड़ हैं। जो सूख रहे हैं देखो, चांदनी का पेड़ कितना बड़ा सूख रहा है। और सर की हाथ सर आइए, एक पेड़ आप लगाइए। आप लोग भी पहली बार लगा रहे हैं कि लगाते रहते हो पेड़? आप लोग वहाँ आए थे ना? अच्छा अच्छा ग्रीन टीम में भी है। अच्छा 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 हाँ। हाँ तो इधर देखिए बीच में जो गैप है, धूप पड़ रहा है तो पेपर लगाएंगे। आइए और देखिए कितने लोग हो गए। अच्छा लगता है कि कड़ी से कड़ी मिलती है तो जंजीर बनता है, और ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा बनता है। ऐसे लोग ज़्यादा जुटे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। 135 करोड़ की जनसंख्या है, हम अकेले मिशन 100 करोड़ का टारगेट हर साल पूरा नहीं कर सकते। आप लोगों से अच्छा हाँ हाँ अभी बात भी, इनका बाइट भी ले लिया सर लोगों का। सर लगा लिया आपने? और हर संडे आइए, बढ़िया इंजॉय कीजिए। मॉल और कहीं घूमने मूवी देखने से अच्छा इंटरटेनमेंट यहाँ हो जाता है पेड़ लगाने से। और ये पीपल है जो कि 500 साल तक आपका साथ ऐसा उपहार है। अब सब हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है, हो रहा है जब हाँ वही हो रहा है। हाँ इनके पे 150 इन्होंने लगा अपने, हाँ पूरे महीने सारा इन्होंने। इस गैप में भर दिया जाए, पीपल लगा दिया, नीम तो लगा है, पीपल लगा दिया जाए। कोई नहीं, ये क्या है? ये तो नहीं नहीं सब पढ़नी है, सूख गया है एलोस्टोनिया। हाँ एलोस्टोनिया, पानी देना क्या पता बच जाए क्योंकि जड़ अंदर गया हुआ है ना। नहीं निकल गया, हाँ कुछ दीमक उमक अंदर लग गया होगा नीचे इसलिए सूख गया। कोई नहीं, नीचे से पीपल निकल रहा है। नहीं पीपल नहीं, नहीं। चौराही है, साग है, छोड़ तो लगा दीजिए। बीच साइड में लगा रहे, साथ बीच में तार ले लगा रहे। नहीं नहीं तार लग रहा है, बीच में गया इनका खुदाई का। ये तभी उन लोगों ने साइड में ही लगाया, अभी है ना पेड़ अभी बाकी साइड में ही थोड़ा करें। ये सुन लिया, इधर नीम है, पानी नहीं मिला तो इधर बाजू में नीम है। पीपल ही स्ट्रॉन्ग है, कई दाएं बाएं भी लगा सकते हैं वो। इनको भी थोड़ा पानी देके ये पेड़ बचाइए, अब आवा है तो अपने आप पानी देके इसको बचाइए जो पहले लगेंगे। और ये देखिए पीपल बहुत स्ट्रांग पेड़ है, गर्मियों में अगर पेड़ लगाना है, ठंड में लगाना है तो पीपल लगाइए। हाँ ये देखिए पीपल कोई नहीं मुरझाया होगा, इनकी बस एक बार जड़ जमीन में पकड़ ले फिर इनको पानी भी देने की जरूरत नहीं है। और कोई दे रहा है पानी? किसी ने पानी दिया है? नहीं कुछ नहीं लगाया, कोई केयर कर रहा है? सब नहीं दिए, केयर कर रहा है, कोई पानी दे रहा है यहाँ पे। आइए सर आइए, पेड़ पहले भी कह रहा उस रूट से निकल गया। अच्छा, अच्छा, तो पता ही नहीं चला कि किधर है। अब ये है, आप भी गैप देखिए कहीं आसपास अगर पेड़ लगाना हो बताइए, वहाँ लगाया जाएगा। ये फैल सकता है वहाँ, हाँ वही यहाँ बीच में नीम है लगे हुए, ये बड़ा होगा तो बच जाएगा। नीम तो लगेगा,
थोड़ा साइड में ऐसा है ना, खम तार का हो गया होगा, लाइन गया होगा, तो थोड़ा साइड में होके ऐसे सीधे खंबे के सीधे में, हाँ फिर एक खुदाई करे कोई प्रॉब्लम हो तो पेड़ काट के फेंक देंगे। थोड़ा साइड में कीजिए तार के लाइन से इधर, तभी इन्होंने किनारे किनारे नीम लगाए हैं, यहाँ तार की लाइन हो सकती है। अब नहीं नहीं वही है, इन्होंने वो बनाया ना लाइन बनाया होगा यहाँ यहाँ साइड, नहीं पत्थर बेटा वो पत्थर लाइन डाला हुआ ना केबल के ऊपर, हाँ केबल के ऊपर पत्थर लगा, यहाँ पे करूँ यहाँ पे, तभी कुछ पेड़ बीच वाले सूख भी गए, हाँ यहाँ साइड में। ये अपार्टमेंट के साइड में ना लगाएं क्यों, इस सीवर सीवर है नहीं, यहाँ पे देखिए गैप है, वहाँ पे लगाया जा सकता है। ये तो पापड़ी का पेड़ है, वो ज्यादा हाइट नहीं होती, करंज का पेड़ है, पीपल तो लग जाएगा। तो और एक गवर्नमेंट से अनुरोध है कि जो ये हाईवे बना रहे हैं वहाँ पे पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटे नहीं ट्रांसप्लांट करें उसको, और ये कई दिनों से नहीं नहीं उसको पहले कुछ दिन अपने घर में पालना पड़ेगा, पालना पड़ेगा जब जड़ निकल जाएगी तब बाहर उसको लगाया जाएगा। बस और ये सारे लोग आए हुए हैं, आप लोग भी संडे का अपना पेड़ लगा के एंजॉय कीजिए, ताकि जो गर्मी बढ़ रही है अभी, दो सेकंड के लिए अपनी बाइक गाड़ी आप धूप में रखिए, दो मिनट भी नहीं लगेगा इतनी हीट हो जाएगी कि, तो आप अनुभव कर सकते हो कि कितना टेम्परेचर हाई है। और हम तो एसी में बैठे होते हैं, कार में बैठे हमें पता नहीं चलता है, बाहर के जो चिड़िया हैं और जीव जानवर हैं वो परेशान रहते हैं, तो उनके लिए हमें ये घर बना रहे हैं। इसमें पीपल है, पीपल गर्मियों में फल देता है, जो कहीं भी पानी और फल नहीं मिलता, ये पंछियों का फेवरेट फल पीपल पिलखन और बरगद होता है। लगाई आप लोगों ने लगा लिया, आप आपने लगाया पेड़, लगाई है आप भी, हाँ वो पेड़ लगाए पर लगाने का फायदा भी है, जहाँ पानी मिलता रहा पानी देते नहीं, पीपल अच्छा है पीपल है। ये देंगे बगल में है ना, जो पेड़ लगाए उसकी भी जिम्मेदारी है और बाकी हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो पहले हमने जो गेट दो सुबह पेड़ लगा दिए थे सारे सूख के सारे, यहाँ नहीं नीम है, नीम है अभी पानी देंगे, आशीष जी हमारे यहाँ पे बाकी ये बगल में ही रहते हैं, वहाँ तो कितने पेड़ पेड़ ही चोरी हो जाते हमारे तो कॉलोनी में, का पेड़ अच्छा है चोरी कर कहीं तो लगाएगा वो आदमी, पेड़ ऐसा है चोर खराब ना करे, महंगे वाले पेड़ चोरी करते हैं, हम तो कहते हैं खूब चोराओ पेड़ कहीं लगाओ, एरोकेरिया के पेड़ चोर 52 पेड़ लगाए थे मैंने इकट्ठे करके अपनी सोसाइटी के अंदर ही, इस आदमी ये देखो सारे बालकनी खाली, सारे एक एक पेड़ बड़ा बड़ा लगा दे तो सबको अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था, 803 नंबर में वो बड़ा रुचि ली उसने, जगह है पीछे से शायद था, आ जाओ कोशिश करो देखो, हाँ ऊपर आने के लिए टूटी भी नहीं है, सबसे प्रॉब्लम हो जाएगा आप देखो, हाँ हाँ वहाँ है आशीष जी है ना, गाड़ी में अपना टैंक के गैलन है ना, हाँ ये बीच में है ना, इन्होंने गलत जगह लगाई सीमेंट पे, दो तीन बार तो जीत गया मैं, क्या गया यहाँ एक दो बार लोगों पैसे दे दिए, फिर उसके बाद ना कोई मतलब ज्यादा दूसरे जिन्होंने लगाए थे पेड़ नहीं, अभी हमारे गाड़ी में रखा है ना गैलन रखा है उसमें ला के पानी देंगे उसको, नहीं आप लोग सुबह टहलने आते हैं तो एक गैलन लेके अगर एक एक आदमी दे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको, अरे यहाँ सोसाइटी बिल्डर ही बहुत खराब है ना, बेड़ा कर गया
इसीलिए पीपल लगा रहे हैं ना, पीपल को बस 10 दिन पानी देना है, उसके बाद जड़ पकड़ लेगा ना, उसको सीमेंट के अंदर भी हो जाता है। देखो पीपल एक यहाँ पे मैंने देखा था, कहाँ हुआ है वो, एकदम अंदर दीवालों में, वो देखिए दीवालों में चल रहा है। देखो नीम के पेड़ लगाए हमने अंदर, मैंने 10 बार लगाए, ये इधर लगे बेल लगाए, हाँ हाँ बेल पत्थर के पेड़ लगाए, यहाँ ना सिल्वर आर्क लगाई है तो लंबा पूरे हाइट फ्लैट के हाइट तक का जाएगा पेड़। सिल्वर आर्क होता है वो हाइट में ऊपर जाएगी, आर्क लगना चाहिए, हाँ हाँ पूरा में ढका रहेगा आपका घर और हाइट में सीधे जाती है वो, जा वो लोग बातें ज्यादा करते चक्कर ये ना, हाँ यार तो, कुछ बातें कर नहीं, अब मीटिंग होगी 5-10 बंदे आए, 500 रुपए हमसे ले लिए और ले, ये पिलखन है पाकड़ कहते हैं, 500 उम्र होती है, फाइकस की 3 फैमिली पीपल बर्ग, ये स्ट्रांग होते हैं। अरे मोहित है इनका फल का क्या, बढ़िया पेड़ नहीं होता कौन कह रहा है, वो सोचते हैं हमारा घर खराब कर देगा, अरे जियोगे तब तो घर रहेगा, नहीं उन्होंने कहा तब तक बढ़ते ये एनवायरनमेंट अनुकूल नहीं है, अरे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो उसी के फैमिली का है वो परिवार, फैमिली उसी की, हाँ तो जब एक ही परिवार है वही वैसा भी बीच बीच में गड्ढे हैं, ये चूहे बना रखे हैं, चूहे भी बड़ी मेहनत करते हैं। और ये अनुभव जी हैं हमारी हरियाली बोल पे 5000 प्लांट लगा रही हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम इनका लिंक शेयर कर देंगे, और ये आप जो जो एक एक पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ का जो डोनेशन होता है, अगर आप लोग आ नहीं पाते टाइम नहीं दे पाते तो हेलो ये हरियाली बोल के अकाउंट में आप पैसे दीजिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली को जो हीट बढ़ गई है 48 डिग्री तक उसको कम कर सके, तो आप कुछ मैसेज दीजिए अनुभा जी। या सबसे यही अनुरोध है कि जिस तरह से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज सपोर्ट फॉर दिस ड्राइव, आप प्लांट्स डोनेट कर दीजिए, आप इवेंट में आइए, जो भी कंट्रीब्यूशन आप देंगे उससे बहुत हमें हेल्प होगी, वी हैव टू मेक आवर सिटी ग्रीन क्लीन एंड वी हैव टू मेक दिस एयर ब्रीथेबल। और इन्होंने बड़ा काम ले लिया, 1 महीने है थोड़ा डर रही है, लेकिन आप लोग सब सपोर्ट दीजिए, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा है, और जब एक लोग साथ 100 लोग जुड़ जाते हैं तो सारे जो दुख होते हैं चाहे जो घबराहट होती है कम हो जाती है, तो आप लोग सबसे अनुरोध है कि आप लोग नहीं आ पा रहे कहीं पेड़ नहीं लगा पा रहे तो इनका अकाउंट नंबर लेंगी मैम आई है कंचन मैम यहीं बगल में है हरियाली से, और ये हमारे रोहित जी कहाँ ये बहुत दूर से बार बार रास्ता भटक जाते हैं ये पूरा एनजीओ को एक करके और अच्छा। हेल्प करेंगे, इन्हीं का मैंने बता रहा था 5000 पेड़ लगाने का, हाँ तो ये इन्फोसिस में भी है आप ही के सेक्टर में, हाँ तो अच्छा आप भी आ जाओ जाओ चढ़ के आ जाओ, ये रास्ता भटक जाते हैं बार बार, लगाइए पेड़ लगाते रहिए अपने, आजकल तो ऐसे प्लांट हो गए कि बेडरूम में भी रख सकते हो आप, स्नेक प्लांट सब पेड़ है और बालकनी में भी, और भी लगे जामुन लीची के बीज बहुत ज्यादा नहीं होता है आप लोग को कि पैसे खरीद कर पेड़ लगाना होगा, लीची खा रहे हो आप मिट्टी के गमलों में, हाँ छोटे हैं इनको काट देते हैं ना ऊपर से ये लोग, तो तब से आपने लगाया नहीं देखा एक भी पेड़ लास्ट में, ये देखिए आज ये पहली बार पेड़ लगा रही है हम लोग जो पेड़ कभी नहीं लगाए होते तो हमें बहुत बड़े उस सेलिब्रिटी नजर आते हैं पीपल के 4-5 पेड़ लगाए मैंने अपनी सेट में, और ये अच्छा है ये पहला लगाया इन्होंने, आगे 1000 पेड़ लगाएंगे वो भी काट, और हमारे साथ अनुभा जी हैं ये जो कि 5000 पेड़ लगाने का इस बार इन्होंने प्रण किया हुआ है, ये हाँ इनको आप थोड़ा अपने सोसाइटी से डोनेशन कहिए कि एक एक पेड़ का लोग दान दे, 500 आपने दिया उन लोगों को, उन्होंने काम नहीं किया होगा लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं इनके साथ, हमने 2500 रुपए इकट्ठे करके दिए, एक लेडी को दिए वो भी इंदिरा है हमारे साथ, हाँ तो ये उनको इन्हीं को बुलाए हम लोग प्लांटेशन करेंगे, वो मुझे कह रहे हैं ले लो पैसे मैं लिए नहीं, मैंने पैसे आप ही रखो, बहुत एक्टिव है कल अथॉरिटी में भी जाके अधिकारी से मिल के आई हैं और सारा इन्होंने परमिट ले लिया है, और बस हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक खाद और पानी की करो, 2-3 बार तो जीते हुए हैं, 1-2 बार पानी निकाल सकते हैं, पीपल पीपल को खाद की जरूरत नहीं, खुद खाद निकाल लेता है दीवारों से या जमीन से, कल बात नहीं लगे हुए लाते ही नहीं,
सुरजन दी पार्क में सारा पैसा खा गया बोले हमारे में ठेकेदार ठेकेदार जीडीएम मिलके सारा पैसा खा गया कुछ भी काम नहीं हो रहा अरे मैडम कौन नंबर ले लो आप सारा हेल्प करवा देंगे सबको जानती है सुरजन दी पार्क कंचन वर्मा ने पेड़ लगाए थे ना कितने पेड़ के लगाएंगे वो सारे गड्ढे कर दिए 100,000 पेड़ लगाने हैं 100 गड्ढे करें 100 में 10 पेड़ अरे देखिए पेड़ सूख रहे हैं आप लोग भी कहीं गाड़ी से निकलते हो अगर आसपास आपको पेड़ दिखते हैं सूखते हुए थोड़ा एक बोतल पानी अपने लिए पीने लेके जाते हो इन पौधों को पिला दो ताकि आपको आपके आसपास हरा कर सके चले गए क्या चले जाते हैं अपना काम करके और इस बार हमें है इसी बार पूरे इंदिरापुरम वैशाली सोसाइटी में लोगों को ये भी बहुत एक्टिव है एक दिन में 6 इवेंट कर लेते हैं ये एक साथ काम करेंगे हमारा एक काम करवाएंगे पूरा वो इंदिरा जी हैं वो काफी करती हैं और उनकी रेडी क्वालिटी हाथ में देते हैं हां बेर है देसी बेर है पानी फूल के पेड़ बचे नहीं हुए बचे हैं और रेडी चोरी करके कितने बचे पेड़ दो बचे हैं चलो आ गए यहां तो हो गया काम अगले बार किसी नए डिवाइडर पे मंदिर बना बताइए फोन नंबर ले लीजिएगा हमें बताइएगा हम बड़े लाते हैं पेड़ देखिए कैसे लगाएं इनको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है एक बार लगाए वही छोटे मत लगाइए तो दिखाना हुआ छोटे पेड़ लगा के फोटो खिंचाना अब हम लोग 2-3 साल से इसी काम में लगे हुए और बचपन से पेड़ लगा रहे हैं पानी देना बहुत जरूरी है हर महीने में और हम कोई पीपल के अलावा कोई पेड़ नहीं लगाते पीपल और बरगद नीम के अलावा क्योंकि वो लोग बरगद के यहाँ पेड़ लगाए यहाँ लगाए दो तीन वहाँ लगाए थे हमने सारे लोग जानबूझ के लोगों ने बुला दिया ये अब शेयर करेंगे आपका ये भी जितने ग्रुप है अंडर ने जला दिया रोज अंडर की और आप लोग देखिए हमारा हरियाली बोल कार्यक्रम 7 जुलाई को है पूरे दिल्ली एनसीआर में 5000 पेड़ लगाए जाएंगे आप लोग देख रहे हो वीडियो देख रहे हो आप लोग कमेंट कर सकते हो आपको नंबर दे दिया जाएगा लिंक दे दिया जाएगा आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट आशीष जी का है आशीष जी की जिम्मेदारी है 10 पेड़ इनके पास कोई पेड़ नहीं था केयर करने के लिए हमने कहा बस अब 10 पेड़ आगे आपकी जिम्मेदारी है आप तो बरस जाए ह्यूमिडिटी हो गई ना ह्यूमिडिटी को तो ये देखो कितना अच्छा पीपल हो रखा है कहाँ हाँ हाँ ये बिना धूप भी नहीं आएगी धूप ले लेगी नहीं पीछे लगा सकते हैं थोड़ा दीवालों के पास हाँ अभी गैलन में अरे कहाँ सर चले गए हम कह चले गए क्या अनिल जी सुखेश जी मिल लिया अनुभव जी से यही है इनका 5000 मिशन है ये सुखेश सेठ जी हमारे क्या नाम है सोसाइटी का आपकी ये हमारे अनिल जी हैं ये देखती होंगी ये भी बहुत एक्टिव है ये 5000 का पेड़ लगाने का इनका है तो इनका हमें सपोर्ट करना है हर सोसाइटी से इनका लिंक है डोनेशन का वो भी करना है बाकी अथॉरिटी में बात की हाँ एक महीने थोड़ा इनको लिंक को शेयर करना और सपोर्ट भी करना अकेले थोड़ा घबराई हुई हैं तो हमने कहा हम लोग सब हैं मिलके सब साथ में सबसे मिला रहे हैं और हर सोसाइटी में हम ना थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे सैटरडे संडे को लोग ज्यादा सुने चाहिए हाँ हाँ इंदिरा जी को आप बुला दीजिए बुला लीजिए अगर आप तो आप अपने सोसाइटी में लोग बात करके अंकल कोशिश कीजिए पॉलीथिन नहीं यूज करने का केले को नुकसान खाने में अगर हाथ में आ सकता है तो हाथ में ले लीजिए नहीं तो गोला ले लीजिए जब तक इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं होगा तब तक नहीं हमारा अपना काम है, काम है। जब हम लोग प्रैक्टिकल नहीं होगा नहीं आंदोलन करना पड़ेगा फैक्ट्री बंद कराने मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं होगी आप एक चीज बताओ आप पौधे बेचते हो पौधे सारी दुनिया पौधे लेना बंद कर दो मैंने बुलाया इधर से आज ये काटे हैं तो एक महीना थोड़ा अपना सपोर्ट करना है को 5000 पेड़ लगेंगे तो आपने दोस्त रिलेटिव है जो डोनेशन लिंक है इनका जो एक पेड़ का 100 होता है हाँ तो इसको हम लोग सपोर्ट करें अब जो भी आ जाता है ठीक है बाकी हमने अथॉरिटी में बात की है 5000 टारगेट लिया है तो उसको पूरा ही करना है
हाँ नहीं साइज है क्योंकि इसके अगले साल पेड़ बन जाएगा, एक साल टाइम लगेगा, बहुत तेज ग्रोथ, बहुत जल्दी हाइट बढ़ती है। सबने लगा लिया, कोई ऐसा तो नहीं अपने हाथों पेड़ नहीं लगाया हो? बस प्रेसिडियम के ये डिकथलोन के सामने हम लोग आ रहे हैं। आपके सोसाइटी में ऐसे पेड़ लगाने देते हैं साइड में? नहीं, आपको ही लगाना है मैं। सर अभी 15 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट करूंगा अपने सोसाइटी में। अच्छा हाँ, तो बढ़िया था, उनको भी अपना आरडब्ल्यू सुपर बड़ा बड़ा हमारे घर में बहुत बड़े हैं, ग्रीनरी देखो मैं सर बहुत ज्यादा। हाँ वो तो देखा, लेकिन पार्किंग इधर तो साइड तक तो उतनी होती है। पार्किंग के पास अब सारे वो वाले फूल वाले लगाने के। अच्छा कोई नहीं, कोई पेड़ लगाए और मैं वही बात कर रहा था, मेरे को बहुत सारे चाहिए। ये देखिए अनिल जी हमारे दौड़ते भी हैं 4-5 किलोमीटर डेली और पेड़ भी केयर करते हैं, ये भी अपने। और ये पीपल लग गया हमारा, अगली बार आएंगे तो आप गाड़ी अगर ले जाते हो रोड से तो आपके गाड़ी पे भी धूप नहीं लगी है। नहीं ये अभी ये इसको तैयार करना है, जड़े इनको पहले तोड़े हैं, अभी तैयार करना है, आईसीयू में रखना पड़ेगा। आईसीयू का पेशेंट है, मरम्मत होगी। अनुज जी आपको भी लगवाने दो, उधर बात हो गई है, बताना। और आप लोग भी आसपास देखते रहिए, जगह ढूंढते रहिए, जहाँ खाली जहाँ धूप लगे जमीन पे वहाँ पे पेड़ लगाइए और धूप को धरती तक पहुँचने मत दीजिए ताकि टेम्परेचर इतना फिर हमारे दिल्ली NCR करना पड़े। और एक टारगेट ले लीजिए इस मानसून, समय निकल जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है मानसून का। और ये सोनिया जी हैं जो गाड़ी के पीछे, और ये अनिल जी है हमेशा पानी रखे रहते हैं गैलन में, और जहाँ जाते हैं वहाँ पर देखते हैं पेड़ सूख रहा है। तो आप लोग भी सीख लीजिए, आप लोग भी अपने गाड़ी के पीछे पानी रखिए, पेड़ लगाना ही बड़ी बात नहीं होती है, पानी देना भी उसकी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस समय गर्मी में जैसे आपको प्यास लग रही है, आपको एसी की ज़रूरत है, ऐसे पेड़ों को भी ठंडी हवा और ठंडे पानी की ज़रूरत है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले नहीं लगा था ये हमारा पीपल लग गया। इनको भरोसा थोड़ी है कब देंगे वो पानी कब नहीं। हाँ हाँ हम अगर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनको पानी दे तो हमें भी, तो अगर हाँ कोई लगे हुए उनको पानी देना चाहिए। हाँ मैम फोटो ले लीजिए। प्लांटेशन का प्रोग्राम तुम्हारा जुलाई में हम करेंगे, थोड़ा बारिश के बाद में। बारिश के बाद में भाई ग्रीन टीम के साथ करेंगे और हम अपनी सोसाइटी में करेंगे। हाँ और उनका तो अभी भी हो रहा है प्लांटेशन, DDA के साथ है कहीं पे। हम पूरे साल हर संडे लगाते हैं, जाड़ा हो गया। मैम से बात हुई थी मेरी, हमारे ठंड वाले यहाँ से हम लोग उन्हीं से इवेंट है। चलते वहाँ बैठ के मीटिंग करते थे। देखिए पूरा डिवाइडर ग्रीन हो गया, पीपल लग गया, और पीपल की छांव बहुत ठंडक देती है औरों पेड़ों की अपेक्षा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, इनकी उम्र भी 500 साल होती है, हम चले जाएंगे हमारे बच्चे तक, उनके बच्चे आएंगे तब भी ये जिंदा रहेंगे। जैसे हमारे बाबा के बाबा ने पेड़ लगा गए, आज भी वो पेड़ मेरे घर के सामने है और उसकी हम लोग ठंडी हवा लेते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग बड़े बड़े पेड़, फाइकस फैमिली के पेड़, बरगद, पिलखन, पाकड़, गुलर, इनका लगाए, क्योंकि चिड़िया इनको खाती है और जहाँ जहाँ बीट करती है वहाँ पे नए पेड़ बन जाते हैं। और जो हम तो एसी में बैठ के बच जाते हैं, लेकिन चिड़िया और हमारे जीव कहाँ बैठेंगे, उनके लिए कुछ आवाज़ चाहिए, ठंडी जगह चाहिए, तो पेड़ ही है उनके लिए एसी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने धरती को हरा भरा कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।